रश्मि कुछ बताइए अपने बारे में। मैम मेरा नाम रश्मि पांडे है, मैं रीवा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी विद्यालय शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर रीवा से पूरी की है। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ठाकुर रणवर सिंह महाविद्यालय रीवा से पूरा किया है। मेरी हॉबी है गायन, लोकगीत और सुरों से। गायन में ग्रेजुएशन किया आपने? बी कॉम और अच्छा कॉमर्स में बिजनेस वाली, ये तो मेरा विषय नहीं है। इस पर तो सर लोग बात करेंगे। रुचि क्या है आपकी? गायन। गायन, इस पर अपन बात कर सकते हैं। आप रश्मि का मुझे अर्थ बताइए। मैम रश्मि का अर्थ मैं दो तरीके से आपको बताना चाहूँगी। एक तो शाब्दिक अर्थ होता है सूरज की साथी, सूरज की किरण। और दूसरा व्यवहारिक तौर पर मैं अपने अगर नाम के संदर्भ में देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सकारात्मकता का प्रतीक है और मेरा मानना है कि मैं भी एक सकारात्मक व्यक्ति। आपने मेरे दो प्रश्न खा लिए है ना। जब जितना पूछा जाए फिर उतना संक्षिप्त में जवाब दोगी तो ये आपके लिए बहुत हितकर होगा। बहुत प्यारी आपने बात कही, लेकिन आपकी बात का मैं समर्थन भी करती हूँ और आपके सकारात्मक विचार की प्रशंसा भी करती हूँ, है ना। रश्मि के दो तीन पर्यायवाची बता दीजिए। सूर्य से संबंध बताया रश्मि का आपने। सूर्य की पहली किरण को क्या कहते हैं आपको मालूम है? सॉरी ना मैं बता देती हूँ, धन्यवाद दीजिएगा। आरुषि कहते हैं सूर्य की पहली किरण को, आरुषि कहते हैं। प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा और सर्वव्यापी है ना, सूर्य है। प्रकाश के कोई दो और स्रोत बता दीजिए मुझे। मैंने कहा ही नहीं छद्म है कि कैसा, कैसा भी बता सकती हैं आप। हाँ ट्यूबलाइट है। और सबसे छोटा प्रकाश का नैसर्गिक स्रोत क्या है जो स्वयं का प्रकाश पैदा करता है? एक तो सूर्य सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, है ना। सोच लीजिएगा ठीक है। आपके पिताजी का नाम राम ऋषि है, है ना। भगवान राम इन दिनों सर्वव्यापी सर्वचर्चा में है, है ना। तो अभी आने वाले समय में रामनवमी भी है। आपका इंटरव्यू कौन सी डेट में है? 18 अप्रैल को है, तो बिल्कुल आपसे ये सवाल हो सकता है, है ना। रामनवमी को लेकर अब मंदिर तो बन गया, भगवान विराज भी गए, वो सब बातें आप सब लोगों ने खूब पढ़ के तैयार भी कर ली है। पर अभी करंट में वर्तमान में एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है, है ना। रामनवमी के दिन वो मूर्त रूप लेगी, क्या बात है वो? मैम जो भगवान श्री राम के मस्तक पे सूर्य तिलक यंत्र लगा है। वेरी गुड वेरी गुड। उसमें मैम दोपहर में 12 बजे लगभग 4 मिनट तक के लिए सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें प्रत्यक्ष रूप से मस्तक अभिषेक करेंगे, मस्तक पर अभिषेक करेंगे। 12 बजे का ही समय क्यों चुना गया? हाँ लगाइए, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है तो मैं इसके लिए आपको नहीं टोकूंगी, लेकिन एक कारण और भी है। क्या कुछ मैं हिंट दूं आपको? भगवान के जन्म से जुड़ा हुआ कुछ कारण है। भगवान कृष्ण का जन्म तो रात के 12 बजे मनाते हैं हम। भगवान राम का जन्म कब हुआ था? इसे रामनवमी क्यों मनाते हैं? जन्म हुआ था ना, इसलिए मनाते हैं। तो जन्म से कुछ समय है क्या, कुछ समय का संबंध है क्या? हाँ समय का संबंध है ना, ठीक है। तो जो मूर्ति वहाँ विराजित है उसको आपने गौर से देखा भी होगा, है ना। उसमें भगवान राम के यू आकार में बने हुए उस पर सारे अवतार हैं, है ना। कितने अवतार हुए भगवान के, विष्णु के? 10 अवतार है ना। लाइन से क्रम से बता दो बेटा। नहीं क्रम से अच्छा बिना क्रम, विज्ञान की नहीं हो ऐसा थोड़ी नहीं, क्रम से बताओ। चलो ठीक है बताओ। पहले मत्स्य, फिर कुन, है ना, फिर हाँ वामन, परशुराम, राम, वरा कहाँ चला गया? परशुराम, राम, कृष्ण, नरसिंह कहाँ चले गए? क्रम
ये ज्ञान के दृष्टिकोण से भी बढ़ता है बेटा, ये आगे की तरफ कभी इसको इस तरीके से भी सोच के देखिएगा, है ना। एक बार फिर से कोशिश करो। वेरी गुड। नरसिंह, कृष्ण, राम, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलकी, है ना। आ गई क्या कलकी? अभी कलयुग में उनका जन्म होना है। होना है। वेरी गुड, ठीक है। आप क्या कुछ किसकी विद्यार्थी है? कॉमर्स की है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपका जन्म 12वें महीने में हुआ है रश्मि, है ना। 12वां महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है आपके दृष्टिकोण में। क्यों? मैम तो एक तो यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा जन्म हुआ है इसके लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरा कारण ये है मैम कि इसमें दो और महान हस्तियों का जन्म हुआ है। पहला तो 23 दिसंबर को श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे, और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ है ना। दो महान हस्तियों का ही हुआ केवल। मैम 25 दिसंबर को ईशा मसीह, ये भी है। हम किसी भी धर्म और संप्रदाय से हों पर सरकार हमारी छुट्टी रखती है उससे, है ना। प्रभु ईशा मसीह का जन्म है और हम तो सारे धर्मों में विश्वास करने वाले हों तो सबसे पहले आदर पूर्वक उनका नाम लिया जाना चाहिए, है ना। किस रूप में मनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्रिसमस डे बोलते हैं उनको। 29 तारीख का कोई और आपके जन्म के अलावा? कुछ और बता पाएंगे उनके बारे में? आपने ये जानकारी जुटाई तो कुछ और भी पढ़ा होगा। रीवा इन दिनों टूट कर दो जिलों में बट गया है ना जी। कौन सा है दूसरा? मोहगंज जिला। मोहगंज है ना। रीवा के एक सफेद शेर के नाम से प्रसिद्ध हस्ती हुई, कौन और क्यों? मैम ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी हैं, और मैम उनको सफेद शेर के रूप में संबोधन किया था इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे, क्योंकि उनका जो पोशाक था वो सफेद ही पोशाक रहता था और उनका एक जो निर्भीक स्वभाव था। आप मुझे बताइए, पोशाक था कि पोशाक थी? पोशाक थी सर, है ना। अभी मैं हिंदी पे आ जाऊंगी, है ना, ठीक है। पोशाक थी, हाँ, वो सफेद रहती थी और उनका जो निर्भीक स्वभाव था वो शेर जैसा, सिंह जैसा था, इसलिए उनको। वैसे भी और दूसरा भी कोई संबंध है शेर, सफेद शेर से रीवा का? मैम सफेद शेर पाया गया था रीवा में, मोहन नाम। हाँ, पाया गया था, तो था ही वही पहला, है ना, ठीक है। कौन से विद्यालय से पढ़ी आप? सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी है। वेरी गुड। सरस्वती के 3 पर्यायवाची बता दीजिए आप। प्रार्थना करते थे ना विद्यालय में, सरस्वती शिशु मंदिर में भी होती होगी, बाकी विद्यालयों में भी होती होगी, है ना। ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी, पद्मा बोला जाता है। हाँ, पद्मा भी बोलते हैं। पद्मा मां को, लक्ष्मी को बोलते हैं कि सरस्वती को बोलते हैं? मैम उनको भी जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो पद्मासना। हाँ, ठीक है, ठीक है। पद्म, पद्म के फूल पर माँ सरस्वती भी विराजती है, माँ लक्ष्मी भी विराजती है, और हंसवाहिनी, ज्ञान दायिनी, वीणा पाणी, है ना। बहुत सारे, अगर कोई प्रार्थना आप दिमाग में लाएंगे तो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, है ना। सरस्वती शिशु मंदिर में एक भोजन मंत्र हुआ करता था आप लोगों का, है ना, आप सुना दीजिए मुझे। हाँ, तैयारी है कहीं? कहाँ कहाँ दे दिया इंटरव्यू आपने? नहीं करते, ठीक, कोई बात नहीं। गायत्री मंत्र सुना दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद माता कहते हैं ना गायत्री, गायत्री माँ को। ये गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कहाँ मिलती है हमको? ऋग्वेद के 3rd मंडल में मिलती। कौन है इनके रचयिता, किसने लिखा है गायत्री में? मुझे विश्वामित्र याद आ रहे हैं। वही है, पर विश्वामित्र तो आपके मित्र नहीं थे? विश्वामित्र जी,
ना, महर्षि विश्वामित्र हैं, सप्त ऋषियों में से एक हैं, जानते हैं ना, और ये बनने के लिए बहुत सारी तपस्या की उन्होंने, तो अपन उनका नाम सम्मान से ले। गायन में लोकगीत और सुगम संगीत सुनना पसंद है कि गाना पसंद है? वेरी गुड। गायन कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं गायन को हम? मैम तीन श्रेणी में बांट सकते हैं, एक तो शास्त्रीय संगीत, एक भावगीत जिसके अंदर सुगम, जिसे सुगम संगीत भी कहते हैं, और एक उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत है ना, सुगम संगीत। अच्छा, सुगम संगीत में क्या सुनती हैं या क्या गाती हैं? मैम मैं जो भाई सुगम संगीत की भी बहुत सारी शाखाएं हो गई ना मैम, मुझे मतलब बॉलीवुड फिल्म संगीत जाती हैं। मेरा पूछने से मतलब ये था कि भजन है, सूफी संगीत है, गजल है, या भजन भी मुझे पसंद है उनके, और फिल्म भी लता जी को पसंद करती हैं। लता जी का संबंध, आप इंदौर में इंटरव्यू दे रही हैं, लता जी का संबंध इंदौर से क्या है? उनका जन्म हुआ यहाँ पर, जन्म हुआ था। और इसके अलावा और कोई कनेक्टिविटी? नहीं, लता जी का सीधा संबंध क्या था और इंदौर से? उनके जो गुरु थे ना जिनसे उन्होंने सीखा गायन, वो भी इंदौर से ही ताल्लुक रखते थे, उनका नाम पता कर लीजिएगा। लता जी का सबसे प्रिय गीत कौन सा है आपको, जो अच्छा लगता है? दो लाइन सुना दीजिए। मैम ये किनारा मूवी का गीत है उनका, नाम गुम जाएगा चेहरा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी मीठी है। गायन का आप अभ्यास करती हैं इससे ये भी पता चल रहा है। बहुत कठिन सवाल नहीं करूँगी। किनारा फिल्म का है एक तो प्रश्न आपने मुझे पहले ही बता दिया है ना, और कौन इसके गीतकार और कौन संगीतकार हैं? आर डी बर्मन जी को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब प्रचलित नाम उनका क्या था? पंचमदा बोलते थे आर डी बर्मन साहब को बोलते थे। इनका संगीत के घराने से और कोई ताल्लुक बर्मन साहब का? एस डी बर्मन साहब का नाम आप तो म्यूजिक से सुनती है ना, फिल्मी म्यूजिक है ना। सचिन देव बर्मन के पुत्र भी थे, एक ये संबंध बड़े संगीतकार हुए। दूसरा संबंध आशा भोसले जी के पति भी थे, वो भी संगीत से जुड़ाव का सवाल है ना। ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे आ सकते छोटे मोटे। और इन्होंने कुछ गायन भी किया क्या आर डी बर्मन साहब ने? संगीतकार तो थे जी, जी, जी। कुछ किसी कुछ फिल्मों में गाया भी है क्या है ना, देख लीजिएगा। दो तीन बहुत दो प्रचलित, बहुत प्रचलित गीत हैं उनके, दो तीन ही फिल्मी गीत हैं। और गीतकार कौन है, गीतकार है ना, गुलजार साहब ने लिखा है। ठीक है, रश्मि आपने वाणिज्य की पढ़ाई की है तो आप मुझे त्रुटि के चूक किस किस टाइप की होती है अकाउंटिंग में बता सकते हैं? सर कई बार त्रुटियां तो होती हैं सर, दो पक्ष होते हैं लिखने के लिए, डेबिट और क्रेडिट। तो कई बार ऐसा होता है सर कि अमाउंट में गड़बड़ हो जाती है, मतलब अमाउंट लिखने में गड़बड़ हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। और दूसरा कई बार ऐसा होता है सर कि डेबिट और क्रेडिट करने में त्रुटि हो जाती है, मतलब डेबिट पक्ष एक होता है चूक की त्रुटि और दूसरा कौन सा होता है आयोग की त्रुटि, कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। आपका मीडियम क्या है, माध्यम हिंदी ना, तो उसको आयोग की त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है आयोग की त्रुटि बता पाएंगे? एरर ऑफ ओमिशन, चूक की त्रुटि जिसे बोलते हैं, आप लिखना ही भूल गए, ओमिट कर दिया उसको, तो वो चूक की त्रुटि है। और आयोग की त्रुटि क्या है कि आपने लिखा है बट जिसके खाते पे लिखना था उसका नाम गलत लिख दिया आपने। ठीक है, डेबिट में मुझे रश्मि लिखना था, मैंने डेबिट में राम या श्याम किसी और के नाम पे चढ़ा दिया, अमाउंट सही जगह चढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप क्या कम इंटरेस्ट का है क्या वाणिज्य में? ये तो बहुत बेसिक था, आपने मास्टर्स भी किया, मास्टर्स भी किया, आपने पीजी किया हुआ है ना, तो आपको मैस्लो की पदानुकृत आवश्यकताओं के बारे में कुछ बता पाए?
सर वैष्णो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी व्यक्ति की। कौन सा होता है जी? सबसे पहले सर उनकी बेसिक नीड होती है, जैसे कि उन्हें भोजन, वस्त्र और कपड़ा, मतलब वस्त्र और मकान चाहिए। उसके बाद उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी कह सकते हैं सुरक्षा। और तीसरी सर उनकी सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है, जैसे मित्र है, परिवार है, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना। उसके बाद सर उनकी प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकता होती है कि मुझे मतलब सम्मान प्राप्त हो और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और लास्ट में सर आत्मविकास। आत्मविकास जी, ठीक है, या आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे बोलते हैं, आत्मविकास। तो इस आखिरी के दो हैं जी, इन दोनों में क्या फर्क है? एक आपने क्या बताया, आत्मसम्मान की आवश्यकता, और एक आपने कहा आपकी साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको बोलते हैं। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस? सर आत्म जो चौथी आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता, प्रतिष्ठा की, तो सर उसमें व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे मेरी सराहना हो, मेरी प्रशंसा हो। और जो लास्ट आत्म विकास की है, उसमें सर व्यक्ति स्वयं को पहचानने की कोशिश करता है और चुनौतीपूर्ण कुछ कार्य करने की ये कोशिश करता है सर कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। अभी तक तो जो मैंने कर लिया वो ठीक है, पर अपने आप को पहचानने की कोशिश। वेरी गुड। आपका आधार कार्ड नंबर बताएं। सर 5715-1626। सर लास्ट के याद कर दीजिएगा, इसे 5915। लास्ट के 4 डिजिट ही इम्पोर्टेंट है, उसके पहले तो आपने जब भी वेरिफिकेशन KYC किया होगा तो XX लिख के आ रहा होगा, लास्ट के 4 डिजिट ही आते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में भी होता है ना। 5923 है आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट्स। अच्छा, रीवा में अभी करंटली टूरिज्म के लिए क्या क्या प्लेसेस हैं? अगर कोई वहाँ आता है तो आप उसे क्या जगह सजेस्ट करेंगे? सर सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जलप्रपात है रीवा में, तो मैं उन्हें सर वहाँ घुमाना चाहूँगी, जैसे चचाई जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात है, और सर टोन्स जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात की हाइट कितनी? सर 130 मीटर है। और उसके अलावा सर वहाँ पे धार्मिक स्थल भी बहुत है, जैसे कि चिरौला नाथ का मंदिर है, कोठी कंपाउंड में एक शिव मंदिर है, महामृत्युंजय का मंदिर है, तो सर मैं ये स्थलों रखवाना चाहूँगी। साथ ही कुछ दूरी पर, लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर मुकुंदपुर टाइगर सफारी है, तो मैं उन्हें वहाँ भी जाना चाहूँगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप नहीं ले जा रही हैं, कहाँ और ले जाना चाहिए आपको रीवा में? सोलर प्लांट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको सबसे पहले बोलना है, राइट? सोलर प्लांट, सौर ऊर्जा के लिए कितने मेगावाट का प्लांट है वो? 750। राइट, कहाँ पे है? गुड़ तहसील में, राइट? बहुत बड़ा योगदान है उसका, गुड़ तहसील, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। अभी तो सोलर एनर्जी को लेकर बहुत चर्चाएं भी हैं, राइट? तो और कहाँ है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, बताइए आप। एक विकास शब्द है आपके डेफ में, राइट? तो आज की डेट में विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा, राइट? और उसके लिए हमको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जीज के जो सोर्सेज हैं उस पर बहुत ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। तो मध्य प्रदेश का जो है इनिशिएटिव फॉर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, जिसमें रीवा का प्लांट अपने आप में एक महत्व रखता है, और कहाँ कहाँ ऐसे सोलर प्लांट्स हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं अभी? सर पूर्व में तो नीमच में एक सोलर प्लांट है। पूर्व में? सर इसके पहले रीवा सोलर प्लांट के पहले नीमच में एक सोलर प्लांट। अच्छा। है, और आगामी समय में सर हम एक सोलर फ्लोटिंग पार्क बन रहा है, फ्लोटिंग पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ओंकारेश्वर। बिल्कुल सही, और आगरमालवा और छतरपुर में 1400 मेगावाट का एक सोलर पार्क बन रहा है। सोलर पार्क कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा हमारे पास विंड एनर्जी के भी सोर्सेज हैं। जी, विंड एनर्जी कहाँ कहाँ हम प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ उनके हमने प्लांट्स लगा रखे हैं? सर देवास में, जामगोदरानी में। जी जी बिल्कुल, और रतलाम में, मावटखेड़ा में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी इसमें राम जी पे जैसा मैम ने प्रश्न पूछा था आपसे, आपने अभी कितने अटेम्प्ट दिए लास्ट कंटिन्यूसली आप मेंस दे रही हैं? 2019 से 21 का भी दिया था, 22 का भी और 23 का भी, राइट? तो एक प्रश्न आया था आपके एग्जाम में राम जी से रिलेटेड, कि कबीर और तुलसीदास जी की राम की परिकल्पना में क्या अंतर था, ऐसा एक प्रश्न आया था आपके मेंस एग्जाम में, याद आ रहा है आपको? 2 मार्कर क्वेश्चन पेपर 4 में, अभी लिखा होगा आपने 2023 के लिए, नहीं याद आ रहा। चलिए चलिए बताएं, कुछ अंतर बताएं।
ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत कि अच्छा। कबीर जी ने राम जी को किस तरह से देखा और तुलसीदास जी ने राम जी को किस तरह से देखा, इसमें क्या अंतर है, तो क्या बताना चाहेंगे? सर मैंने कबीरदास जी की जो विचारधारा पढ़ी तो उसमें सर वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। अच्छा। उनका ये कहना था कि भगवान को पूजने के लिए उन्हें देखना आवश्यक नहीं है, हम बिना देखे भी उनका स्मरण कर सकते हैं। और तुलसीदास जी की अगर बात की जाए, सर मैंने जैसा पढ़ा है तो उन्होंने एक तो सगुण भक्ति शाखा के थे और दूसरा उन्होंने सर राम को सिर्फ एक भगवान नहीं आदर्श राजा के रूप में भी बताया है, भगवान के रूप में भी उन्होंने पूछा और आदर्श राजा के रूप में बताया है। और उन्होंने सर एक राम राज्य की बात की है कि शासन कैसा होना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से सर उन्होंने आदर्श परिवार के बारे में बताया है कि परिवार। आपने जैसे बोला है कि कबीर जी निर्गुण भक्ति के संत थे, तो कोई उनका दोहा सखी ये कोई बीजक आप समझते हैं, राइट, कोई उनका दोहा जो इसको आपको सपोर्ट करता हो, आपकी जो बात आपने रखी समर्थन निर्गुण की बात का, निर्गुण भक्ति को सपोर्ट करता हो, ऐसा कोई दोहा याद आ रहा है आपको? सर पाहन पूजे हरे मिले तो मैं पूजूं पहार, ताते तो चाकी मिली पीस खाए संसार। क्या अर्थ है इसका? सर इसका अर्थ यह था कि अगर सिर्फ पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिल जाते तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूंगा। बिल्कुल सर, उससे अच्छा तो पुराने जमाने में सर चक्री होती थी जिसमें गेहूं पीस के खाया जाता था, तो उससे अच्छी तो वो है कि अगर उससे पीस के खाया जाए तो चार लोगों का उससे पेट भरेगा। राइट राइट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। आपका जो प्रश्न है सर का, उसके ऊपर कबीर का एक दोहा है, मैं राम, कबीर का एक गीत है बल्कि पद है, मैं राम की दुल्हनिया बनूं, ऐसा कुछ है, वो उसको भी सर्च कीजिएगा, वो आपकी मदद करेगा आपके उत्तर को और मजबूत बनाने में। एक हो गया बन सकते हैं अपना सजेशन। हाँ। एक सवाल मेरा रह गया था, नहीं आपने जितनी भी जगह यहाँ लिखा है ना, यहाँ सब जगह गलत लिखा है, उन्हें सुधार दिया है उसको, एक जो बिंदी लगेगी वहाँ पर जिसको अनुस्वार कहते हैं, है ना, व्याकरणिक दृष्टिकोण से, वो आपने कहीं नहीं लगाया। हाँ में आपने चंद्रबिंदु अनुनासिक लगाया है, तो बिना अनुस्वार के नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखना है आपको, उसका महत्व समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदी है, है ना, ठीक है। एक बघेलखंड क्षेत्र का कोई लोकगीत आप कुछ बता सकते हैं? सर हमारे यहाँ सोहर होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो मैं वो सुनाइए, सुनाइए। धन धन नगर बहुत ही बढ़िया और प्रासंगिक भी, 18 अप्रैल को तुम्हारा इंटरव्यू है, तो राम जन्म की बात कर रही हो, कौशल्या के खुशी होने की बात कर रही, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू।